छात्र आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हम जो पिछला जो वीडियो में कबीर दास का परिचय पाठ चुके थे, वे इस परिवार के अपने पालन पोषण हुआ और वे किस संत कवि क्यों कहते थे, उनको वाणी में डिटेल क्यों कहते थे और उन्हें रचिया दो दोहे के बारे में हमें जान चुके थे। जो दो दोहे में जो कैसे बात करना है, किस तरह से हमें रहना है और दूसरों के साथ कैसे भी व्यवहार करना से हमें भगवान का जो कृपा हमको मिलता है, ये सब का बारे में हमें जान चुके थे ना। देखिए आज तो बचे हुए दो दोहे के और हम समझने के लिए चलेंगे छात्र। आपके साथ जो किताब है सब उठाइए, उठाकर कबीर के दोहे निकालिए, पाठ को निकालिए, निकाल कर मैं तो दोहे को पढ़ती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, बाद में उसका अर्थ हम समझते चलेंगे छात्र। बड़ा भय तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंती को छाया नहीं फल लगे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करे ना होया, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे होया। देखिए कबीरदास जी ने पहला जो दोहा में इस तरह कहने के लिए चाहते हैं। देखिए छात्र, बड़ा भय तो क्या भया, जो हमारा भया भया जो होता है तो बड़ा होने से क्या उसे फायदा है। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ जो होता है बहुत लंबा होता है ना, इंसान धन दौलत
इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। देखिए इंसान धन दौलत सब में रहता है, अधिकार में रहता है, जो उससे उसमें जो बड़ा जो अधिकार जो रहती है उनको बड़ा जो कार्य में रहते हैं तो उनमें परोपकार का गुण ना होने पर वे कितना ही बड़ा अधिकार में रहने पर किसको ही लाभ नहीं होता है ना। ये इस तरह जो कहते हैं खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, खजूर का पेड़ जो होता है लंबा और बहुत ऊंचा होता है ना। आप देखिए खजूर का पेड़ रहता है अपने नारियल के पेड़ से भी ऊंचा रहता है, ये पेड़ खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा रहता है, इसलिए उससे रहन कीड़ों को छाया नहीं मिलती है, उससे आने वाले रहन कीड़ों को किसी को भी छाया नहीं मिलती है, पक्षियों को छाया नहीं मिलती है, पक्षियों का निवास भी नहीं करते हैं, इंसानों को भी नहीं मिलते, किसी को भी वे छाया नहीं उससे मिलती है। उसमें उगने वाले फल भी जो उस पेड़ में उगने वाले फल भी जो होता है बहुत ऊपर होता है, फल भी उससे उगने वाला फल जो होता है बहुत ऊपर होता है ना, ऊपर बहुत जो कहते हैं तरवाड़ी इस तरह देखिए बहुत ऊपर होता है। ऐसी ही खजूर के पेड़ जैसे ही इंसान जो होते हैं, इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, इंसान जो इंसानों में भी बड़ा अधिकार होने से उनमें बहुत पैसे होने से धन होने से जो बहुत अमीर होने से जो बड़ापन ना रहने से बड़ापन का गुण रहना है, एक धन से दौलत से जो पैसे से अधिकार से बड़ा रहने से जो नहीं है उनमें जो बड़ा रहने से परोपकार गुण जो होने से वे बड़ा इंसान कहलाता है, ये गुण ना रहने से वो बड़ा होने पर भी खजूर का पेड़ का जैसे हो जाता है, किसको भी जो उपयोग नहीं होता है उसे किसी लाभ नहीं मिलती है, वो रहने पर क्या फायदा है उसे, फायदा है ना, रहने से किसको भी फायदा नहीं होते हैं, इसमें परोपकार जो दूसरों को सहायता होना, दूसरों को जो प्यास में पानी देना, प्यास लगने से पानी देने से उसे बहुत उपकार होता है, भूख लगने से खाना देने से बहुत उपकार होता है, परोपकार का गुण होता है। इसी तरह जो हमें थककर आने से ठंडी सी जो छाया मिलने से भी बहुत परोपकार होता है। देखिए ऐसा किसी भी गुण किसी भी जो लाभ उनसे नहीं तो वे रहना से क्या फायदा होता है, से लाभ नहीं हो नष्ट होता है। इसी तरह देखिए इंसान जो बहुत धन दौलत होती है उनमें जो रहने वाले को धन दौलत अधिकार से दूसरों को परोपकार दूसरों को उपयोग होने का कार्य करने से वे बड़ा बन जाता है, नहीं तो वे खजूर के पेड़ के जैसे ही हो जाते हैं। इस तरह का कहने चाहते हैं ये छात्र कबीरदास ने, इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है, दूसरों को उपयोगी होने दूसरों का उपयोग होने से ही वे महान बन सकता है, पर धन दौलत से ही वे महान नहीं बन सकते हैं। हमारे घर में आने वाले जो लोगों को हमें क्या आग्रह
ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪರೋಪಕಾರ ಗುಣಮೆ ಗ್ರಹಣಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಿ ಮೇ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತಾವೆ. ಭಗವಾನ್ ಬಿ ಅಪನೆ ಮನ ಮೇ ಜೋ ನಿವಾಸ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ದೇಖಿಯೇ ಛಾತ್ರ, ಐಸಾ ಗುಣ ಹಮೇ ಹಮಾರೆ ಮನ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ ಮೇ ಪೈದಾ ಕರ್ ಲೇನಾ ಹೇ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಹಮೇ ಬಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ ಸಕ್ತೇ ಹೇ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ ಸಕ್ತೇ ಹೇ. देखिए आपके घर में आने वाला कोई भूखा, भूख बहुत भूख लगती है किसी व्यक्ति को, किसी बच्चों को, वे खाने के लिए हमें खाना दे सकते तो हमें उन्हें जीवन भर याद रखते हैं, है ना. उसके घर में बहुत भूख लगती, उसके घर में गए हुए बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वे परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं. ऐसे ही परोपकार गुण मन में पैदा कर लेना चाहिए छात्र. हम इसी तरह ही करना चाहिए तो हमारा बड़ापन वहां पर दिखाई देता है. जो खजूर के पेड़ के जैसे ना रहना चाहिए, पर ही वह महान बन सकता है, पर ही वह महान बन सकता है. तात्पर्य क्या है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए. मानव जो कैसा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, दूसरों को उपकार करना, दूसरों को कष्ट में मदद करना, सहायता करना, ऐसा ही गुण जो मानव में इंसान में रहने से वे बड़ा व्यक्ति बन सकता है और वह को समाज में महान व्यक्ति भी बन सकता है. इसलिए हम सब के जो जीवन में मन में जो हमें परोपकार गुण होना चाहिए छात्र. देखिए और दूसरा जो दोहा होता है, चौथा दोहा जो होता है, देखिए उसमें क्या होती है. देखने के लिए चलेंगे छात्र. दुख में सुमिरन सब करई, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई ना होया. जो सुख में सुमिरन करई तो दुख कहे होया, दुख कहे होया. देखिए छात्र, दुख में सुमिरन करई, दुख में जो दुख में रहने वाले को हमें क्या करना चाहिए, उसको समाधान करना चाहिए. उसकी जो दुखी का जो जीवन होती है उसमें हमें फायदा होना, हमें उसको दुखी के जीवन में हमें क्या करना चाहिए, उनको समाधान करना चाहिए, उनके कष्टों में भाग लेना चाहिए. तो हमें क्या हो जाता है, हम हमारे भी दुख आने से हमें भी दूसरों का मदद कर सकते हैं. ऐसा ही गुण हमें पैदा लेना चाहिए छात्र. देखिए इसका जो भावार्थ इस तरह का जो कबीरदास ने बहुत अच्छी तरह जो वर्णन करते हुए कहा है. देखिए, जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है. सुख प्राप्त करता है तो एक दिन दुख भी भोगना पड़ता है. उसी तरह जिसके आज दुख का अनुभव करना पड़ता है उसे भविष्य में सुख जरूरी मिलेगा. लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसी विचार को कबीरदास ने ऐसी कहते हैं. देखिए, जो हमें सुख प्राप्त करने पर वह एक दिन दुख भी भोगना होगा. हमारे जीवन में हर दिन भी सुख नहीं होता है, है ना. हर दिन भी आप सुख होते नहीं, एक ना एक दिन आपको क्या होता है, दुख ही पहुंचता है. हमें सुख दुख हमारे जीवन का दो भाग होता है ना. इसलिए हमें सुख रहने पर भगवान को भूल जाते हैं, दुख होने पर
और दिन भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, हर हर दिन भी हमें भगवान का याद करना चाहिए। हमारे वजह से कितना ही होता है उतना ही हुए क्या कर, भगवान का आराधना करना चाहिए और हमें परोपकार भी रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें सहायता करने का गुण हमें रहना चाहिए। जो हमें सुख आने पर सब भूल जाते हैं, भगवान को पूजा करना, स्मरण करना, आराधना करना, अपने मंदिर जाना, ये सब भूल जाते हैं, आचार विचार को भी भूल जाते हैं। दुख आने के समय में हमें भगवान के पास जाते हैं, ऐसा ही हमें गुण नहीं होना चाहिए कहने के लिए चाहते हैं। लेकिन कबीरदास ने जो सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते, सुख प्राप्त होने पर भगवान का लोग याद नहीं करते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी, कबीर कहते हैं सुख के समय में भी क्या करना चाहिए, हमें भगवान की याद करें, याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम सुख के समय में भगवान का याद करते आए तो दुख की विपत्ति हमें नहीं आती। जो हमें दुख कष्ट या दूसरों से हमें किसी को तंग आने के समय में हमें क्या करता है, भगवान हमारा रक्षा करता है। भगवान हमारा क्या करता है, रक्षा करता है, हमारी पूजा का फल वहां मिलती है। देखिए आप करते हैं ना, साल भर ही नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, और परीक्षा के समय में जो भगवान का पूजा ही तीन तीन चार चार बार करते हैं, उस दिन स्मरण करने से भगवान तुम्हें जो परीक्षा लिखने की जो उत्तीर्ण जो होती है क्या, नहीं, तुम पहले से ही भगवान का याद, भगवान का आराधन, भगवान का पूजा करते करते आना चाहिए। उसके साथ वही जो हर दिन जो पढ़ने के लिए दिए गए हैं पाठ जो पढ़ने के लिए होता है, उस दिन आप क्या करना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ही लिखते लिखते ही आने से परीक्षा जो होती है आपको उसमें अच्छी तरह का जो लिखते हैं अच्छे अंक पाते हैं। उसे छोड़कर परीक्षा के दिन सुबह जो जल्दी उठकर आप मंदिरों के जाकर पूजा करके आना, भगवान आज तुम्हें पूजा किया है, मेरा पत्रिका में जो आंसर जो उत्तर पत्रिका में आप ही जो उत्तर लिखना है, ऐसा ही भगवान को सवाल करके आते हैं। तो ऐसा ही करने से भगवान तुम्हारा पत्रिका में आकर जो तुम्हारा उत्तर पत्रिका में उत्तर नहीं लिखते, भगवान आप ही लिखना चाहिए। जो आपके पात्र भगवान के पास जाकर कैसे ही तुम बोला है, मैं आज जो पढ़ा हुआ इतना ही दिन पढ़ा हुआ लिखा हुआ ये सब का याद मुझे रखने की आशीर्वाद दीजिए भगवान, अच्छी तरह लिखने का मन दीजिए, मस्तिष्क दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, इस तरह का तुम्हें प्रार्थना करना है। इसे छोड़कर तुम्हें क्या करना है, से छोड़कर तुम भगवान के पास जाकर तुम ही मेरे उत्तर पत्रिका में उत्तर लिखना है, इसी ही भगवान को सवाल दे रही। भगवान आकर के तुम्हारा पत्रिका में उत्तर लिखता है क्या, नहीं, आप ही लिखना है ना। ऐसी देखिए छात्र, ऐसा ही नहीं करना चाहिए। भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम जो सुख के समय में भी हमें भगवान की याद करते करते आए तो हमें क्या नहीं होती, दुख की स्थिति में हमें भगवान
में कहा रहे लिखकर सुनाए हैं। देखिए छात्र, कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। सुख और दुख दोनों ही भगवान की ही देन है। सुख और दुख दोनों क्या है? भगवान की ही देन है। सुख देने वाला ही भगवान है, दुख देने वाला ही भगवान है। इन दोनों को हम समान भावना से, इन दोनों को हमें क्या है, समान भावना से, एक समान भावना से ही स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। देखिए कितना अच्छी ही जो विचार हमें कह रहे। देखिए कबीरदास ने कहने का तात्पर्य है कि जो तात्पर्य जो इस दोहे का जो अर्थ यह है कि दोहे का अर्थ है कि कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। सुख और दुख दोनों ही भगवान की ही देन है। तो भगवान देने वाला है दोनों को ही। सुख रहने पर दुख का अनुभव हम दोनों को एक ही समान लेना चाहिए। सुख को कितना ही हमें आनंद से देते हैं, दुख को भी इतना ही आनंद से देते हैं। हम कहना है दुख से बाद में सुख आता है, इस भरोसा पर हम चलना है। दुख आने से हमें हमारा जो व्यक्तित्व को जो कुंठित नहीं करना देना चाहिए और दूसरों को आत्महत्या कर लेना, दूसरी जो आत्महत्या कर लेना, दूसरी जो विचारों को याद कर लेना, इस तरह के नहीं करना चाहिए छात्र। हमें इस तरह के नहीं करना चाहिए। हम दोनों को एक समान ही लेना चाहिए। इन दोनों को हम समान मनोभाव से ही स्वीकार करें। हम दोनों को ही हमें समान मनोभाव से ही स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। हमारा जीवन जो क्या होता है, सुगम हो चल, सुगम ही चल रहता है। इसे इस तरह से जो भगवान कितना ही हमें दुख आने पर भी हमें रक्षा करता है, पर हम हमारे मन में दोनों विचारों को एक साथ ले रहे से। सबको समझ में आया है छात्र, ये दोनों ही जो दोहे का अर्थ आप घर जाकर अच्छी तरह पढ़िए, एक बार लिखिए, पर शाम पाठ पर लिखे हुए शब्दों का अर्थ मैं बताती हूँ, आप देख लीजिए। पर बड़ा लंबा, बड़ा का मतलब है लंबा और चौड़ा होता है। भैया होने वाला तो बनने वाला होता है। खजूर का पेड़ उतुती मरा करते हैं उनको। पंती राही सुमिरन स्मरण करना, सुमिरन स्मरण करना, होया होई होया होता है, इसी की अर्थ होता है। देखिए छात्र, आप सबको अच्छी तरह पाठ सुनेंगे और प्रश्नों का उत्तर दिए हैं।